राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने शीतकालीन परीक्षा 2020 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा व मूल्यमापन मंडल के निदेशक डॉ. प्रफुल्ल सापले ने इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्र परिषद जारी की। इसमें कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला दिया गया है। हालांकि अभी 24 मई से शुरू होने वाली ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। विवी ने शीतकालीन परीक्षा 2020 के तहत 3 चरणों की परीक्षा पूरी कर ली है, जबकि चौथा चरण 11 मई से शुरू होने वाला था। इस बीच नागपुर सहित संभाग के विभिन्न जिलों में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सीनेट विद्वत परिषद सदस्य व प्राचार्य फोरम ने परीक्षाओं को टालने का अनुरोध विवी कुलपति डॉ. सुभाष चौधरी से किया गया, लिहाजा विवी ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा विवी ने एक अन्य परिपत्र में कहा है कि जिन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं कॉलेज ऑनलाइन ले, किसी भी सूरत में विद्यार्थियों को कॉलेज में नहीं बुलाया जाए। इसके साथ ही विवी ने पीएचडी पंजीयन पूर्व होने वाली प्रवेश परीक्षा पेट के टाइम टेबल में भी कुछ बदलाव किया है। पेट के लिए 8 मई तक पंजीयन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी 15 मई तक विवी में जमा करना होगा। विवी के इस फैसले से पीएचडी उपाधि के लिए पंजीयन कराने वाले शोधार्थियों को राहत मिली है। हालांकि अभी परीक्षा विभाग ने पेट परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।